सुप्रभात। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय, पाठ 13, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पुस्तक का नाम नई कुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान दो में आज हम इस पाठ का भाषा ज्ञान तथा अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ व्याख्यान एक का जो हमारा गृह कार्य था उसकी भी जांच। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न एक, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न क, डॉक्टर अब्दुल कलाम सफलता पाने के लिए इनमें से किसे आवश्यक नहीं मानते थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम सफलता पाने के लिए इनमें से किसे आवश्यक जरूरी नहीं मानते थे? पहला विकल्प है लक्ष्य निर्धारण, ये हमारा गलत है। दूसरा है सकारात्मक सोच, ये भी गलत है। तीसरा है स्पष्ट सोच, ये भी हमारा गलत है। चौथा है अस्पष्ट संघर्ष, तो ये हमारा सही है क्योंकि वो अस्पष्ट संघर्ष को सफलता पाने के लिए आवश्यक नहीं समझते थे। प्रश्न ख, पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान वहां इनमें से कौन उपस्थित नहीं था? जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो उनमें से कौन उपस्थित नहीं था? नीचे चार व्यक्तियों के नाम आएंगे, अब उसमें हम ढूंढेंगे कि कौन वहां पर उपस्थित नहीं था। पहला विकल्प है अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो उपस्थित थे तो ये गलत है। दूसरा विकल्प है जॉर्ज फर्नांडिस, ये भी वहां उपस्थित थे, ये भी हमारा जवाब गलत है। तीसरा विकल्प है शरद पवार, तो ये वहां पर उपस्थित नहीं थे, ये हमारा विकल्प सही है। चौथा विकल्प है अब्दुल कलाम, तो ये भी वहां उपस्थित थे, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो हमारा जो सही विकल्प कौन सा है? शरद पवार। शरद पवार परमाणु निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित नहीं थे। प्रश्न ग, अब्दुल कलाम किस भाषा में कविताएं लिखते थे? पहला विकल्प है तमिल, दूसरा है मलयालम, तीसरा है तेलुगु और चौथा है हिंदी। तो इनमें से हमारा सही कौन सा है? तमिल। अब्दुल कलाम जी तमिल भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे, तो आपने तमिल के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, डॉक्टर कलाम का इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या योगदान रहा? डॉक्टर कलाम का इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या योगदान रहा? उत्तर है, इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम में डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत सी अंतरिक्ष परियोजनाओं के स्वदेशी डिजाइन तैयार करने में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, उत्तर है, इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम में डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत से अंतरिक्ष परियोजनाओं के स्वदेशी डिजाइन तैयार करने में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई। प्रश्न ख, डॉक्टर कलाम जीवन में सफलता के लिए किन पहलुओं को जरूरी मानते थे?
उत्तर है डॉक्टर कलाम जीवन में सफलता पाने के लिए चार बुनियादी पहलुओं लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, मन में स्पष्ट कल्पना और उस पर विश्वास करने को जरूरी मानते थे। एक बार पुनः पढ़ते हैं इस उत्तर को। डॉक्टर कलाम जीवन में सफलता पाने के लिए चार बुनियादी पहलुओं लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, मन में स्पष्ट कल्पना और उस पर विश्वास करने को जरूरी मानते थे। प्रश्न ग, डॉक्टर कलाम का मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या योगदान रहा? डॉक्टर कलाम का मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या योगदान रहा? योगदान का अर्थ होता है बच्चों सहयोग। उत्तर है कलाम साहब का मिसाइल टेक्नोलॉजी में विशेष योगदान रहा है। अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण डॉक्टर कलाम के मार्गदर्शन में ही संभव हुआ। मार्गदर्शन का क्या अर्थ बताया था मैंने? रास्ता दिखलाना, रास्ता दिखलाना। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं उत्तर को। कलाम साहब का मिसाइल टेक्नोलॉजी में विशेष योगदान रहा है। अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण डॉक्टर कलाम के मार्गदर्शन में ही संभव हुआ। प्रश्न घ, डॉक्टर कलाम की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डॉक्टर कलाम की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी उसका वर्णन करना है। उत्तर है कलाम ने इसरो में कार्य करते हुए अंतरिक्ष परियोजनाओं का देसी डिजाइन विकसित किया। DRDO में कार्य करते हुए मिसाइल निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी इन्होंने सदा देश की उन्नति के लिए कार्य किया और कई नई परंपराएं कायम की। एक बार पुनः पढ़ते हैं इस उत्तर को। कलाम ने इसरो में कार्य करते हुए अंतरिक्ष परियोजनाओं का देसी डिजाइन विकसित किया। DRDO में कार्य करते हुए मिसाइल निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी इन्होंने सदा देश की उन्नति के लिए कार्य किया और कई नई परंपराएं कायम की। प्रश्न अंग है, डॉक्टर कलाम के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं? डॉक्टर कलाम के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं? उत्तर है डॉक्टर कलाम के जीवन से हम सादगी, आत्मविश्वास, स्पष्ट व सकारात्मक सोच एवं संघर्षरत रहना सीख सकते हैं। बच्चों एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इस उत्तर को। डॉक्टर कलाम के जीवन से हम सादगी, आत्मविश्वास, स्पष्ट व सकारात्मक सोच एवं
संघर्षरत यानी कि निरंतर प्रयास करते रहना रहना सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला शब्द है आशियम्मा, पद्म विभूषण, शिलोंग, अग्नि, भूमि। इन शब्दों को हम अब नीचे दिए गए खाली स्थान में भरेंगे, रिक्त स्थान में भरेंगे। वाक्य पढ़ते जाएंगे। क, खाली स्थान पर साथ बैठकर खाने में उन्हें असीम सुख मिलता था। तो क्या उत्तर आएगा बेटा? भूमि पर, है ना? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भूमि पर सबके साथ बैठकर खाना जब खाते थे वो, तो उसमें उन्हें असीम सुख यानी कि बहुत ज्यादा अपार सुख मिलता था। ख, डॉक्टर कलाम की मां का नाम खालिस्तान था। क्या नाम था? अब इसमें से खालिस्तान में क्या भरेंगे हम? आशी अम्मा, उनकी माता का नाम आशी अम्मा था। ग, डॉक्टर कलाम को 1990 में खालिस्तान सम्मान मिला। अब क्या सम्मान मिला? आपने पाठ में पढ़ा है ना, और ऊपर आपके ब्रैकेट में भी दे रखे हैं शब्द जिसमें से आपको ढूंढकर खालिस्तान भरना था। पद्म विभूषण, क्या आएगा? पद्म विभूषण। घ, डॉक्टर कलाम के मार्गदर्शन में ही खालिस्तान मिसाइल का निर्माण हुआ। कौन सी मिसाइल का निर्माण हुआ? अग्नि। यहां पर आपने खालिस्तान में अग्नि लिखना है। अंग है, डॉक्टर कलाम का 2015 में खालिस्तान निधन हो गया। तो कहां हुआ था उनका निधन? शिलोंग में। डॉक्टर कलाम का 2015 में शिलोंग में निधन हो गया था। इस प्रकार आपने इन रिक्त स्थानों को भरना है। प्रश्न नंबर 4, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। अब हम एक एक करके उन वाक्यों को पढ़ते जाएंगे और उसके सामने सही और गलत का निशान लगाते जाएंगे। क, डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई। तो ये वाक्य कैसा है हमारा? ये वाक्य हमारा सही है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। ख, डॉक्टर कलाम को आयरन मैन के नाम से जाना गया। तो अब आप बता सकते हो ये वाक्य हमारा गलत है या सही है? तो ये वाक्य हमारा गलत है, क्योंकि उन्हें तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से नहीं जाना जाता। तो इसके सामने आपने गलत का निशान लगाना है। ग, डॉक्टर कलाम को वीणा वादन बेहद प्रिय था। डॉक्टर कलाम को वीणा वादन बेहद प्रिय था। तो ये वाक्य क्या है हमारा? ये वाक्य हमारा सही है, तो इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। घ, डॉक्टर कलाम ने सुरक्षा की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। तो ये वाक्य हमारा सही है, डॉक्टर कलाम ने सुरक्षा की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। ये वाक्य हमारा सही है। अंग है, डॉक्टर कलाम ने प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार
के पद पर काम किया। तो ये वाक्य हमारा सही है। डॉक्टर कलाम ने प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर काम किया। बच्चों, अब हम भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, इसमें आपने कारक चिन्ह भरने हैं। कई बच्चे विराम चिन्ह लगा देते हैं। विराम चिन्ह अलग होते हैं, कारक चिन्ह अलग होते हैं। आपको आपके व्याकरण के पुस्तक में भी ये पाठ पढ़ाया था मैंने कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं। तो एक बार मैं पुनः बता देती हूँ परिभाषा इसकी। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके कारक चिन्ह भरते जाएंगे, आप लोग भी भरेंगे। क, उन्हें मां खालिस्तान, हाथ खालिस्तान, बना भोजन बेहद प्रिय था। अब पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा, उन्हें मां के हाथ का बना भोजन बेहद प्रिय था। तो पहले खालिस्तान में क्या भरा हमने, के, और दूसरे खालिस्तान में का। ख, उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम खालिस्तान ही हुई। तो क्या आएगा इसमें, में, है ना, खालिस्तान में क्या आएगा, में, उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। ग, महामानव जीवन पर्यंत अपने राष्ट्र की उन्नति खालिस्तान सचेष्ट रहते हैं। तो खालिस्तान में क्या आएगा बच्चों, के लिए। यहां पर कारक चिन्ह कौन सा आया, के लिए। घ, बच्चों खालिस्तान उन्हें विशेष लगाव था। तो इसमें खालिस्तान में हम क्या भरेंगे, से, बच्चों से उन्हें विशेष लगाव था। तो से क्या है, कारक चिन्ह। अंग है, देशवासियों खालिस्तान डॉक्टर कलाम खालिस्तान गर्व है। तो पहले खालिस्तान में हम लिखेंगे, देशवासियों को डॉक्टर कलाम पर गर्व है। इस प्रकार आपने कारक चिन्ह भरने हैं इन खालिस्तान में। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। मूल शब्द और प्रत्यय भी आपको अपने पिछले पाठ में मैंने समझाया था। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक शब्द है प्यासा, प्यासा, तो पीछे आवाज किसकी आई, आ की, तो प्यास जमा आ, तो प्यास तो मूल शब्द है और आ क्या रह गया, प्रत्यय। तो यहां पर भी हम मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखेंगे। तो पहले हमने लिखना है मूल शब्द और फिर लिखना है प्रत्यय। पहला शब्द है प्रारंभिक, प्रारंभिक में मूल शब्द क्या है, प्रारंभ, और इक क्या है, प्रत्यय। तो दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे प्रारंभिक। इक की आवाज आ रही है ना आपको, तो प्रारंभ मूल शब्द और इक प्रत्यय। ख, गरिमा मय, गरिमा और मय, गरिमा मूल शब्द और मय प्रत्यय। ग, स्वदेशी, स्वदेश और ई, आप देख रहे हो बड़ी ई की आवाज आ रही है, स्वदेशी, तो बड़ी ई की आवाज आ रही है। तो मूल शब्द तो इसमें स्वदेश है और प्रत्यय कौन सा है, ई। घ, वैज्ञानिक, विज्ञान और इक, विज्ञान मूल शब्द है और इक क्या है, प्रत्यय है, विज्ञान मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। अंग है,
सम्मानित, सम्मान और इत, पीछे आवाज पहचानो आप लोग, सम्मानित, इत की आवाज आ रही है, तो सम्मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। एक बार पुनः पढ़ती हूं मैं आपके लिए। प्रारंभिक, प्रारंभ इक, प्रारंभ मूल शब्द इक प्रत्यय, गरिमामय, गरिमा मूल शब्द और मय प्रत्यय, स्वदेशी, स्वदेश मूल शब्द और ई प्रत्यय, वैज्ञानिक, विज्ञान इक, विज्ञान मूल शब्द है और इक प्रत्यय, सम्मानित, सम्मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। तो इस प्रकार आपने भी अपनी पुस्तक में इस प्रकार लिखना है। वे एक कर्मठ वैज्ञानिक थे, मुझे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो इन वाक्यों में आप देख रहे हो, थे को मैंने रंगीन किया हुआ है और जाना जाता है को भी रंगीन किया हुआ है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या उसकी स्थिति का बोध हो, तो वे क्रिया कहलाते हैं। रंगीन अंश किसी काम के होने या उसकी स्थिति की जानकारी देते हैं, इन्हें क्रिया कहते हैं। अब आपने देखा कि ये जो रंगीन शब्द हैं, थे और जाना जाता है, वो हमें किसी काम के होने या उसकी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं, तो इन्हें क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया। क्रिया शब्द पर गोला लगाइए, क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। क, उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त, अब यहां पर आपके बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? की। तो यहां पर हमारा जो की है वो क्या है? क्रिया शब्द है, तो इस पर हमने गोला लगा दिया। ख, उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में क्या आएगा? हुई। तो यहां पर जो हुई क्रिया शब्द था उस पर मैंने गोला लगाया है। ग, उन्होंने देसी डिजाइन तैयार करने में विशेष भूमिका, यहां पर आएगा निभाई। ठीक है, तो निभाई क्या है इस वाक्य में? क्रिया शब्द है। घ, नौजवानों के आत्मविश्वास को ऊपर, यहां पर आएगा उठाया। तो अब आपने देखा, प्राप्त की, यहां पर की क्रिया शब्द है, यहां इस वाक्य में हुई क्रिया शब्द है, और यहां निभाई क्रिया शब्द है, और यहां पर उठाया क्रिया शब्द है। ठीक है, तो यहां पर हमने गोला लगा दिया है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए, ये भी बच्चों आपने आपने अपनी बुक में पढ़ा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहते हैं, है ना? तो चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे हम? वैज्ञानिक। ठीक है, ख, जो राष्ट्र का स्वामी हो, जो राष्ट्र का स्वामी हो उसे कहते हैं राष्ट्रपति। ग, जिसे अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास हो, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आत्मविश्वासी। जो विज्ञान का ज्ञाता हो वैज्ञानिक, उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। जो राष्ट्र का स्वामी हो उसे राष्ट्रपति कहते हैं। जिसे अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास हो उसे आत्मविश्वासी कहते हैं।
घ, जो व्यक्ति कविता लिखता हो। अब आपको पता है जो व्यक्ति कविता लिखता है उसे हम कहते हैं कवि, है ना, उसे हम कवि कहते हैं। तो कवि लिखना है हमने। गह, जो लोगों में प्रिय हो उसे कहते हैं लोकप्रिय। च, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, जिसकी दृष्टि में सभी समान हो, कोई छोटा या बड़ा ना हो, उसे हम कहते हैं समदर्शी। उसे क्या कहेंगे? समदर्शी। तो बच्चों ये आपके क्या थे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों व्याख्यान दो का आज का आपका गृह कार्य है नई गुल मोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 13 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पृष्ठ संख्या 103, 104 और 105 पूरा करो। आपको इस पाठ की ये पृष्ठ संख्या तीनों 103, 104 और 105 पूरा करना है। अब हम जानेंगे व्याख्यान एक के गृह कार्य का हल। प्रश्न क था हमारा, डॉक्टर कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है, डॉक्टर कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। प्रश्न ख, डॉक्टर कलाम के माता पिता का क्या नाम था? डॉक्टर कलाम के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर है, डॉक्टर कलाम की माता का नाम आशियम्मा और पिता का नाम जैनुल आबदीन था। प्रश्न ग, डॉक्टर कलाम किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? डॉक्टर कलाम किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? उत्तर है, डॉक्टर कलाम 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने। तो बच्चों आपको भी इस प्रकार अपने गृह कार्य की जांच करनी है और अगर कोई गलती है तो उसे सुधार कार्य लिखकर उसका अभ्यास करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।